गाइस जामखेड़ा से ये तस्वीरें और ये वीडियो आप लोगों को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे नरेगा श्रमिकों के द्वारा पेड़ लगाने का प्रयास किया जा रहा है और गोपालपुरा वाली जो सड़क अभी जिसका निर्माण चल रहा है उस सड़क के ऊपर लगातार पेड़ लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार कई दिनों से यहाँ पे रोड के आसपास गड्ढे किए जा रहे हैं छोटे छोटे, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे जो ग्रामीण भी मौजूद है, सभी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है और हम अब यहाँ से पूरी जानकारी लेंगे कि ये प्रयास कब से चल रहा है। और आइए लगातार हम जुड़ते हैं सांवर जी से। जी सांवर जी, यहाँ आ जाइए हमारे सामने और बताइए लोगों को भी कैसा क्या प्रयास चल रहा है आपका। राम राम साहब, मैं गो भक्त सावनलाल वैष्णव। हम सब नरेगा श्रमिकों ने उप सरपंच साहब राजमल जी गुजरे की अगुवाई में हमारी ग्राम पंचायत जालखेड़ा में वृक्षारोपण पौधारोपण का एक जिम्मा उठाया है, संकल्प लिया है कि हम पूरी ग्राम पंचायत में पौधारोपण करेंगे। जगह जगह जहाँ भी स्थान मिलेगा वहाँ, जैसे खेल मैदान, गोपालपुरा से जालपुरा, जालखेड़ा रोड पर और जो हमारे पास में है ये चरागन आडी, इसमें। और यहाँ पे लगातार कई दिनों से प्रयास चल रहा है और जो इतने जो अभी इस साल गर्मी भी बहुत तेज पड़ी है तो काफ़ी जगह मैसेज भी देख रहे हैं पेड़ पौधे लगाने वाले, जैसे कि कई जगह जहाँ हरियाली हो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत सही रहता है और जहाँ पे सूखा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को हमारा यही संदेश है कि हमें एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और बारिश का मौसम है तो आसानी से वो पौधा बढ़ भी सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश होती रहेगी तो उस पौधे को थोड़ा यानी कि उसको और आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि पानी समय पर आता रहेगा। तो और गर्मियों का जो सीज़न तो वैसे है ही है, लेकिन अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है तो हमें लगातार ये काम करना चाहिए और पौधे हमें लगाना चाहिए। और क्या कहना चाहते हैं सभी जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं? और सबसे यही निवेदन है कि जो अपने पास में ये कुचनाटी है, चरागाह भूमि, इसमें जो पेड़ पौधे काट रखे हैं उनके कांटे हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वर्षा आएगी तो उसके जो बेसहारा गौ माता है गोवंश है उनके चरने के लिए चारा में जो भी ये कांटे हो रहे हैं इन सब कांटों को जलाना है, मेन मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। और जगह जगह पानी की व्यवस्था हो, वो जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ पेड़ पौधे लगाए और पूरी पंचायत को ग्रीन करें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे आप सभी।